हम ये रेंटेड बिल्डिंग है, तो हम जो जी उसमें एक तो ये है कि ज़ाहिर है ये थोड़ी जगह है, एक कोठी है, उसमें जितना हो सकता है हम वो करते हैं। लेकिन जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अपने कैंपसेज हैं वहाँ क्लासेस कैसे होती हैं? क्लासेस तो सर ऑनलाइन जी ऑनलाइन होती हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर लैब होगी, उसमें लेक्चर्स हॉल होंगे, तो उसी बिल्डिंग में जी उसी बीच में है। इसमें हमने बहुत छोटा सा एक लेक्चर हॉल है, 20-25 स्टूडेंट्स को हम कैटर कर सकते हैं, बाकी जितने भी हैं वो फिर दूसरी जगह पर हमें करना पड़ता है। 1974 ओपन यूनिवर्सिटी से आइटम ट्वाइस ए ईयर स्प्रिंग और आइटम ओपन यूनिवर्सिटी के परस्पेक्टिव में इसमें सारी एक्टिविटी चलती है, और ये बिगेस्ट कंट्री की, और अगर एवरेज इसके स्टूडेंट गवर्नमेंट ईयरली ले तो 1.2 मिलियन पर ईयर, कोई 6-7 लाख मैट्रिक से लेके पीएचडी तक। और 2000 रीजनल कैंपस अभी रेंटेड बिल्डिंग, और हमारे सर ये 17 रीजनल कैंपसेज ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, बाकी रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो उसकी जो सेग्रीगेशन है, पंजाब में हमारे 23 रीजनल कैंपसेज हैं और सिंध में 7 हैं, केपी के 8, बलूचिस्तान 5, एजीके 3 और गिलगित बल्तिस्तान 2, और टोटल 48 हैं जो हमारे अपनी बिल्डिंग जो बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ जंग में, रावलपिंडी में और रही ब्याह खान में ये अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, की मदद से ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेगी, ताकि फाइनेंशली हर तहसील के अंदर, हर छोटी जगह पे रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अगर इतना बड़ा सेटअप बनाया जाए तो वो डेफिनेटली वायबल नहीं होगा। इसी तरह 1172 स्टडी सेंटर्स हैं, और ये स्टडी सेंटर्स सारे हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा हुई है। तो ये पब्लिशिंग हाउस सिर्फ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैटर नहीं कर पाता, तो फिर हम नेशनल बुक्स प्रिंट करवाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, अब हम डिस्ट्रिक्ट